कि महंगाई के विरोध में महिला कांग्रेस का प्रदर्शन, केंद्र सरकार पर महिला कांग्रेस का हमला है। रसोई गैस की कीमतों में कल ही हुआ था इजाफा। रोशनपुरा चौराहे पर कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। घरेलू गैस की कीमत बढ़ने का विरोध लगातार जारी है। घरेलू गैस की बड़ी कीमतों के विरोध में महिला कांग्रेस जो है हड़ताल करने प्रदर्शन करने जा रहे हैं। केंद्र सरकार पर महिला कांग्रेस का ये बड़ा हमला है। रसोई गैस की कीमतों में कल ही इजाफा हुआ था। रोशनपुरा चौराहे पर कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। और रायपुर से खबर आपको बता दें, महंगाई के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन होने जा रहा है। रसोई गैस के दाम बढ़ाने का विरोध महिला कांग्रेस करने जा रही है। आज प्रदर्शन होगा। राजधानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन होने जा रहा है। जिला मुख्यालयों में भी प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। महिला कांग्रेस का प्रदर्शन होने जा रहा है। बता दें कल ही गैस सिलेंडर पे दाम बढ़े हैं, जिसको लेकर कांग्रेस जो है विरोध प्रदर्शन कर रही है। और लगातार आज जो है उनका कहना है कि आज प्रदर्शन करा जाएगा। रसोई गैस के दाम बढ़ाने का जो है विरोध कर रही है कांग्रेस। राजधानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन होने जा रहा है। जिला मुख्यालयों में भी प्रदर्शन करने जा रही है कांग्रेस। बता दें आपको, महंगाई के विरोध में कांग्रेस का ये प्रदर्शन होने जा रहा है। रसोई गैस के दाम बढ़ाने का विरोध किया जा रहा है। महंगाई के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन होने जा रहा है। रायपुर की खबर आपको बता दें, रसोई गैस के दाम बढ़ाने का विरोध महिलाएं कर रही हैं। महिला कांग्रेस का प्रदर्शन होने जा रहा है। राजधानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन होगा। जिला मुख्यालय में भी प्रदर्शन करेंगी कांग्रेस। अधिक जानकारी के लिए हेमंत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। हेमंत, क्या कुछ पूरी जानकारी, कब यह प्रदर्शन होगा और क्या क्या कुछ मांगे हैं? देखिए, देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ महिला कांग्रेस आज सड़क में उतरने जा रही है और काफी दिन बाद महिला कांग्रेस का ये प्रदर्शन होने जा रहा है किसी भी मुद्दे को लेकर। इस तरीके से रसोई गैस के दाम में 150 रुपए की वृद्धि की गई है और उसका विरोध अब महिला कांग्रेस यहाँ पर करके नजर आ रही है। और इसी के विरोध में आज प्रदेश के सभी 28 जिले हैं वहाँ पर महिला कांग्रेस की जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन करेंगी। और प्रधानमंत्री और यहाँ पर जो वित्त मंत्री हैं उनका यहाँ पर पुतला दहन भी हो सकता है। काफी जरूरत इस प्रदर्शन की महिला कांग्रेस को थी, क्योंकि महिला कांग्रेस पिछले एक साल से कोई बड़ा प्रदर्शन उन्होंने नहीं किया है। जब से कांग्रेस की सरकार प्रदेश में आई है एक भी बड़ा प्रदर्शन नहीं हुआ था। निश्चित तौर पर इसे पुनर्जीवन जीवित अगर महिला कांग्रेस की मानी जाए तो गलत नहीं होगा। और इससे अब कहीं ना कहीं महिला कांग्रेस की मजबूती भी दिखेगी। हालांकि किस रूप में यह प्रदर्शन होगा ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जो महिला कांग्रेस की ओर से जानकारी दी गई है उसके मुताबिक सभी जिलों में जो रसोई गैस के दाम बढ़े हैं उसके खिलाफ में प्रदर्शन कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाएगा। हेमंत, कल जब से ये दाम बढ़े हैं अलग अलग नेताओं कार्यकर्ताओं के जो हैं प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, ट्वीट आ रहे हैं और लगातार उनका कहना है जब हमारी सरकार थी केंद्र में तो तब 400 के आसपास जो था दाम था और लगातार जो है बीजेपी विरोध करती थी। अब बीजेपी लगातार दाम बढ़ा रही है, अब बीजेपी की इस पर कुछ प्रतिक्रिया आई है? देखिए, भाजपा के किसी भी नेता का भी यहाँ पर बयान नहीं आया है। हालांकि कांग्रेस के तरफ से जो उनके प्रवक्ता हैं उनके द्वारा लगातार बयान ये जारी किया जा रहा है कि जिस तरीके से आर्थिक स्थिति खराब हो गई है पूरे देश में। और कल जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह, जब वो रायपुर के दौरे पर कल आए थे उन्होंने भी पूरे महंगाई को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा था और कहा था कि इस तरीके से आर्थिक स्थिति खराब कर दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा और जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है उसकी पूरी तरीके से जो दोष है वो केंद्र सरकार को जाता है। तो महंगाई को लेकर लगातार अब जो कांग्रेस के नेता हैं वो भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। हालांकि प्रदेश यहाँ पर छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं से की ओर से प्रतिक्रिया भी नहीं आ पाई। चलिए, बहुत शुक्रिया हेमंत इस जानकारी को साझा करने के लिए। और बात अब हरदा